नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंद गजट। बृहस्पतिवार 27 फरवरी 2020 की सुर्खियां। आज की सुर्खियों में कर्नाटक में एक अजीब तरह की बीमारी सामने आई है, जिसे KFD का नाम दिया गया है। ये बंदरों, चमगादड़ और चूहों में पाए जाने वाले चीचक छोटे से जीव के जरिए फैलती है। स्वास्थ्य विभाग के संचालनालय द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया। इस निर्देश के तहत ये कहा गया है कि वे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाएं कि इस तरीके की बीमारी से लोग सावधान रह सकें। इसके लिए ये बताया जा रहा है कि अगर कहीं किसी बंदर की मौत इस बीमारी से हुई है तो उस बंदर की जहां मौत हुई है उसके आसपास 50 मीटर के दायरे में कीटनाशकों का और अन्य रसायनों का छिड़काव किया जाए। विडंबना कही जाएगी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी के द्वारा इस संबंध में अभी तक किसी तरह की एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। इसके लक्षणों में ये बताया गया है कि अचानक 104 डिग्री तक बुखार आ सकता है, जी मचला सकता है, इसके अलावा किसी काम में मन नहीं लगना, हाथ पैरों में जकड़न, मांसपेशियों में जकड़न, इस तरीके की लक्षण सामने आ सकते हैं। इसका अभी इलाज के मामले में अभी इलाज कोई पुख्ता इलाज इसका सामने नहीं आया है। सिवनी में भी चूंकि ये मध्य प्रदेश में, इसलिए इस बीमारी के बारे में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कर्नाटक के चिकमंगलूर में दो मरीज जो भोपाल मूल के हैं वे पाए गए हैं, भोपाल से गए हुए थे वे पाए गए हैं, इसलिए इसके फैलने की आशंकाएं मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही हैं। जिले भर में शादी लॉन चल रहे हैं। ये शादी लॉन बिना किसी मापदंड का पालन किए हुए, जो निर्धारित मापदंड है उन निर्धारित मापदंडों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। छपारा में जितने भी शादी घर चल रहे हैं वहां ना अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था है, ना ही कचरे के निष्पादन के लिए किसी तरह की व्यवस्था की गई है। इस सब के बाद भी प्रशासन के द्वारा इस मामले में किसी तरह का कोई सावधानी रखने के लिए ना निर्देशित किया जा रहा है, ना ही इन लॉनों को बंद कराने की कोई कार्रवाई की जा रही है। जैसे जैसे बादल हटना चालू हुए वैसे वैसे अब तापमान में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। आप देख रहे हैं कि धूप खिली हुई है। 3 दिन तक जो मौसम काफी हद तक बादलों से सिवनी जिला घिरा रहा, बारिश, ओले, ये सारी चीजें हुई यहाँ, उसके बाद अब कम से कम 3 से 4 दिन मौसम इसी तरह का रहने की उम्मीद है। माह के आखिरी दिन 29 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच एक बार फिर मौसम बिगड़ सकता है, ऐसा मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया है। शहर में साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा चुकी है। सूफी नगर शहर का एक मोहल्ला है, सूफी नगर की सड़कों पर, सूफी नगर की नालियों में, जहां जाए जहां देखें आप वहां गंदगी पथरी हुई है। नगर पालिका का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है वहां के नागरिकों ने। होली आने को है। होली में होलिकाष्टक दंड अर्थात जिस में मुख्य खंभे पर बाकी की लकड़ियां सजाई जाती हैं, उसके बाद उस होली का दहन किया जाता है, वो दंड जिस ओर गिरता है, जब पूरी लकड़ियां जल जाती हैं उसके बाद आखिरी में दंड जलकर गिरता है, दंड के गिरने के अपने महत्व हैं। दंड जिस ओर ईशान कोण में गिरेगा, वायव्य कोण में गिरेगा, उत्तर में, दक्षिण में, जहां भी गिरेगा उसका अपना एक विधान बताया गया है, तो वो विधान लोग जान लें। उस हिसाब से काफी समय पहले से ये बात चली आ रही है कि दंड जिस तरफ गिरता है उसके बारे में जो प्रचलित मान्यता है वैसा ही भविष्य में होता है। इसके अलावा केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने केवलारी क्षेत्र में जो फसलें अभी हाल ही में ओलावृष्टि में तबाह हुई है उसका निरीक्षण किया। इसके अलावा सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा भी बरघाट और सिवनी दो विधानसभा क्षेत्रों में फसल का सर्वेक्षण किया गया, फसल का निरीक्षण किया गया। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने ये कहा है कि
सर्वेक्षण के दौरान ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखी जाए कि किसान अन्नदाता है, इसलिए उसको उसकी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए। स्थानीय विषयों पर संपादकीय देने वाला जिले का पहला अखबार है दैनिक इंद्रगजट। आज की संपादकीय खुले में रखे अनाज को लेकर है। किसान हाड़ तोड़ मेहनत कर दिन रात एक कर अनाज उगाता है, समर्थन मूल्य पर सरकार उसका अनाज खरीदती है, पर समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने के बाद इस अनाज को खुले में रख दिया जाता है, जो सबसे गंभीर बात है। इस बारे में स्थानीय अखबारों, मीडिया, सोशल मीडिया द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। देखा जाए तो प्रशासन को चाहिए कि खुले में अगर अनाज रखा है तो संबंधित कैंप प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अनाज को ढकने के लिए शासन स्तर पर बकायदा प्लास्टिक तिरपाल और उसके ऊपर ढकने के लिए जानियां, ये सारी पर्याप्त मात्रा में दिए जाने के बाद भी अनाज को क्यों सड़ाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। आपकी मुझे शिकायत है कॉलम में। मॉडल रोड, जिले की इकलौती मॉडल रोड है, जो लगभग ये माना जा सकता है कि 7-8 साल से लगातार बन रही है। वह 4 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 8 साल का समय अगर लग जाए तो ये बहुत बड़ी विडंबना से कम नहीं होगा। इस सड़क में अगर आप डिवाइडर देखें तो ये डिवाइडर के हिसाब से ये विश्व की संपूर्ण विश्व में अजूबी सड़क मानी जा सकती है। कहीं इसके डिवाइडर 4 फीट चौड़े हैं तो कहीं महज 4 इंच चौड़ा डिवाइडर है। तो इस तरीके के निर्देश बनाने के जिस भी अधिकारी के द्वारा दिए गए हैं, बीच सड़क में लगे खंभों की लाइट्स चालू नहीं हुई है। इसके अलावा मॉडल रोड अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाई है, इसलिए समय समय पर इस सड़क के निर्माण के लिए ठेकेदार को किए गए भुगतान जिस भी अधिकारी के द्वारा किए गए हो, उन अधिकारियों के वेतन भत्ते और अगर वे सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उनकी पेंशन से इसकी वसूली की जाना चाहिए, ताकि एक नजीर बन पाए और भविष्य में इस तरीके की विसंगति, इस तरीके की लापरवाही कोई अधिकारी ना कर पाए। सुनिए कलेक्टर साहब, कॉलम में एक चित्र प्रकाशित किया गया। इस चित्र में सड़क किनारे गंदगी फैली हुई है और उस गंदगी में एक गाय मुंह मारती दिख रही है। एक पाठक ने यह चित्र भेजा और उसने ये बात भी लिखी है कि कलेक्टर, जिला कलेक्टर जब नगर पालिका के प्रशासक बन चुके हैं, उसके बाद अगर इस तरीके की स्थितियां हैं तो निश्चित तौर पर ये स्थितियां बहुत ही गंभीर मानी जा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार।